लेकिन दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में और अपने इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स वगैरह आए हैं इसके बारे में, जो एमएसटीए यूके की उसके बारे में जो काफ़ी अफवाहें हैं वो तो अब आस्ता आस्ता दम तोड़ती जा रही हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले वादा किया था कि एमएसटी दी जाएगी, लेकिन अब उसकी तरफ कोई भी बात ना तो सेक्रेटरी की तरफ से आ रही है, ना ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। तो इस वजह से काफ़ी मायूसी फैली हुई है अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स की दिमाग में, दिल में, कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है अफवाहों की कि एमएसटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव ही फैली हुई है। लेकिन दोस्तों, इसमें तमाम बातों में एक बात तो कन्फर्म है कि इस वक्त जो यूके गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको कोई भी जो वो सिलसिला इमिग्रेंट्स का हो या दूसरी चीज़ों का, उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरफ लेके जाएं और किस तरह डील करें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने आई होगी कि इनको अपनी करेक्ट कैलकुलेशन का नहीं पता कि अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स यहाँ पे यूके में कितने हैं। उसके साथ साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी कि होम ऑफिस की तरफ से स्कैंडल्स भी सामने आए हैं, इसी तरह से इन्होंने वीज़ो में जो किया है, इसी तरह से ये इमिग्रेंट्स के अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स को डील करने में यूके के अंदर भी कुछ इसी तरह की पॉलिसी होम ऑफिस की तरफ से सामने आ रही है, और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है और गवर्नमेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही है, इंटरव्यू वगैरह दे रही है। लेकिन इस तमाम बातों से को मद्देनज़र रखते हुए ये बात दोस्तों कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ अभी एक तो कोरोना वायरस, दूसरा ब्रेक्सिट है, इन दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा यूके गवर्नमेंट, जो मेरा ख्याल है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन जैसे इन चीज़ों से थोड़ा सा फारग होगी, लाजमी तौर पर अनडॉक्यूमेंटेड के जो मसला है इसको मेरा ख्याल है कि डील किया जाएगा। अगर ये गवर्नमेंट ना कर सकी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट लाजमी तौर पर करे, क्योंकि इस गवर्नमेंट में थोड़ी सी कैपेबिलिटी उस लिहाज से नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा दूर नहीं है, वो इसको बेहतर तरीके से कर सके। इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या परेशान होने का मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोस्त परेशान और कमेंट्स काफ़ी करते हैं और काफ़ी परेशान है, परेशानी मेरे बाद भी कुछ दोस्तों को 10-10 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके हैं, तो वो अभी तक अनडॉक्यूमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं। परेशानी वाली बातें तो हैं और अरसा भी काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन जो एमएसटी की बातें इन्होंने शुरू में की थी उस तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण यह है कि आने वाले वक्त में अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं, इनका बगैर किए कोई भी यूके में हल नहीं है। ना तो इनको इतनी बड़ी तादाद में ये डिपोर्ट कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरा इनका फाइनली इन्होंने कोई ऐसा तरीका का राइज करना है जिसके ज़रिए ये इनको डॉक्यूमेंट्स की तरफ लेके आया जाए और इनको लीगल किया जाए। तो ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है वो यही है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में गुड न्यूज़ होंगी इमिग्रेंट्स के लिए, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए, और जो नई पॉलिसीज आएंगी, जो नए आएंगे वो फ़ायदेमंद होंगे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए। तो ये मैंने दोस्तों वीडियो बनाई है आप लोगों के कमेंट्स के अगेंस्ट, के काफ़ी दोस्त परेशान हैं। परेशानी वाली नहीं है बात, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे और तमाम की ख्वाहिशात और मरादें और उम्मीदें जो है इंशाल्लाह ताला पूरी होंगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलेगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।